हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हाय नवीन। हम हैं फ्लोरेंस में और थोड़ा सा हमें लेट हो रहा है, इसलिए चलते चलते मैं बात कर रही हूँ। सो हम हैं फ्लोरेंस में। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा हो, हम थे सोरेंटो, जहाँ पे हम पूरा गए थे अमाल्फी कोस्ट एंड एवरीथिंग। एंड नाउ वी आर इन फ्लोरेंस। वी आर हियर फॉर 3 डेज एंड एवरीथिंग वी आर गोना डू हियर, आई एम गोना टेक यू अलोंग, सो दैट अगर आप फ्लोरेंस आते हो और आपको अपनी आइटिनरी या कुछ बनाने में हेल्प चाहिए, दिस व्लॉग कैन बी हेल्पफुल। सबसे पहले हमें टिकट निकलवानी है, तो हम वही काम कर रहे हैं। सो ये अर्बन टिकट हमको लेनी है, जो 1.5 यूरो के लिए है, एंड टिकट इज वेल्ड फॉर 90 मिनट्स। सो इट्स डन, नो क्यू, नथिंग। ओके, मैंने बात करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे ट्रेन लेनी थी। एकदम भाग भाग के मैंने ये ट्रेन ली है। जस्ट हम बैठे हैं और अभी 1 मिनट में ये चलना शुरू होगी। लेट मी गेट बैक विद व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। सो हम हैं फ्लोरेंस में और हम यहाँ पर हैं 3 दिनों के लिए। ये व्लॉग में आपको देखने मिलेगा वॉट एवर वी आर डूइंग इन फ्लोरेंस। सो वी विल बी गोइंग टू लीनिंग टावर ऑफ पीसा, देन वी विल बी एक्सप्लोरिंग फ्लोरेंस टुडे आफ्टर रिटर्निंग टू फ्लोरेंस फ्रॉम पीसा। कल हम लोग जाने वाले हैं विनयार्ड्स देखने इन शांति रीजन। परसों हमारा कुकिंग क्लास है एंड वी माइट ऑल्सो गो टू फ्लोरेंस आउटलेट मॉल। सो लॉट्स ऑफ स्टफ फॉर यू टू सी इन दिस वीडियो। फ्लोरेंस में हम स्टे कर रहे हैं स्टार होटल्स टस्कनी में। दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक। द रूम इज रियली नाइस, बहुत लग्जूरियस रूम है। ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े पिसा सेंट्रल के लिए। हमारे होटल के एकदम बाहर ट्रैम स्टेशन था, वहाँ से हमने टिकट ली 1.5 यूरोस की, जो आप 90 मिनट्स तक यूज कर सकते हो। 90 मिनट्स तक आप अनलिमिटेड कितने भी ट्रैम बस ले सकते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वैलिडेट दैट टिकट। अगर आपने वो वैलिडेट नहीं की तो आपकी वो टिकट टिकट नहीं रहेगी, एंड एनीवन कैन कम एंड होल्ड यू एंड टेक थ्राइस द अमाउंट। उसके बाद हम फ्लोरेंस मेन स्टेशन गए, वहाँ से हमने पिसा के लिए टिकट ली। आपको टिकट और टाइमिंग्स कैसे ढूंढने वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर बस हमने टिकट ली, हम ट्रेन पकड़ के अभी हम आ गए हैं पिसा सेंट्रल। और लेट्स गो टू लीनिंग टावर ऑफ पिसा। ओके, लेट मी क्विकली टेल यू आपको लीनिंग टावर ऑफ पिसा, पिज्जा या पिसा, पिज्जा यहाँ पे लोग पिज्जा बोल रहे हैं तो मैं पिज्जा ही बोलूंगी। कैसे जाना है फ्रॉम द मेन स्टेशन? सो दिस इज द मेन स्टेशन। आप यहाँ से बाहर आओगे, बाहर आके आपको स्ट्रेट आना है और आपको ये होटल दिखेगी, एनएच होटल्स। एनएच होटल्स के एंट्रेंस के एकदम ऑपोजिट है बस स्टैंड। दैट्स एनएच होटल्स, दिस इज द बस स्टॉप, इट्स कॉल्ड लैम रोसा, और यहाँ से आपको बस लेनी है। And I think the ticket cost is 1.75 or 170 euros or something. Also, just make sure you buy your tickets from the station itself. Here's how. आपको ऐसा एक बूथ मिलेगा, वहां से आपको खरीदनी है। Let's go, हमारी बस आ गई है। Wow, look at the crowd. But that is Leaning Tower of Pisa, right in front of you, this one. ये literally टेढ़ा कैसे है? ये ना काफी ज्यादा टेढ़ा है, मतलब फोटोज में इतना नहीं लगता है, बट ये जो टावर है इसके फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ऐसा बना था। काफी इंटरेस्टिंग है। तो गाइज ये है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। पिज्जा, पिज्जा कैसा लगा देखो? अरे अच्छा था यार, मतलब इट्स बहुत फनी है, हमने भी थोड़े फोटोज निकाले। ये देखिए, ओके गाइज, यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत फनी है, सब लोग ऐसे 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 कर रहे हैं। ओके, सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे फोटोज निकलवा सकते हो, टावर के ऊपर जा सकते हो, देयर इज डुओमो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए। सी, यू हैव ऑल दीस थिंग्स टू डू, बट हमें तो बस यही देखना था, तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि आज हम फ्लोरेंस भी घूमने वाले हैं। फ्लोरेंस में एक्चुअली हमने एक स्किप द लाइन टिकट बुक किया है फॉर एकेडेमिया, मोर अबाउट इट लेटर। एज ऑफ नाउ लेट्स गो टू द स्टेशन। ओके,
ओके दैट वॉज आर क्विक ट्रिप टू सी द टावर और अभी हम फिर से जा रहे हैं फ्लोरेंस क्योंकि हमें 4:30 तक एक्चुअली 4:15 तक कैसे भी एकेडेमिया के बाहर पहुंचना है सो आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू देयर वैसे हमें बहुत भूख भी लगी है अच्छा था ना अभी हम यहाँ से कुछ खाने के लिए पार्सल लेंगे जो हमारा लंच होने वाला है एंड देन डायरेक्टली सी यू इन फ्लोरेंस वैसे टिकट भी निकलवानी है हमें सबसे बेस्ट वो था कि लोग कैसे खड़े थे ऐसे पकड़ के हम भी खड़े थे बहुत फनी लग रहा था चलेगा जब ये प्लेसेस पे आते हो यू शुड डू दीस टूरिस्टी थिंग्स राइट बैक इन फ्लोरेंस और हमें जो एक्चुअली बस लेनी थी वो आज बंद थी तो अभी हम 1.5 किलोमीटर वॉक करके आए हैं पूरा बट यू आर राइट ऑन टाइम अभी हम लोग आ गए हैं एकेडेमिया गैलरी ऑफ फ्लोरेंस अगर आपने माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा देन दिस प्लेस इज अ वेरी बिग डील सो माइकल एंजेलो एक इटालियन स्कल्प्टर आर्टिस्ट और पेंटर थे और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स और आर्ट्स और स्टैचूज बनाए थे हम लोग जब रोम में थे तो हमने सिस्टीन चैपल देखा था वन ऑफ हिज पेंटिंग्स विच वॉज अमेजिंग और यहाँ पे फ्लोरेंस में उनका एक स्टैचू है कॉल्ड डेविड हम एक्चुअली वो देखने आए हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे फाइन आर्ट्स और पेंटिंग्स हैं जो आप घंटों तक देख सकते हो हर पेंटिंग के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है किसने बनाया है एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम हियर एंड आई एम गोइंग टू शो यू डेविड विच इज माइकल एंजेलोज वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स इट्स अ स्टैचू मेड ऑफ मार्बल और 1800 से वो यहाँ पर है काफ़ी पुराना है सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी इट आई थिंक यहाँ पे सब लोग वही देखने आए हैं काफ़ी भीड़ भी है सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट That was the David. Gallery, David. अच्छा था यार मतलब इतने सालों से सिर्फ फोटोज में देखा सामने और भी ऐसा बड़ा ग्रैंड लग रहा था वो टाइम पे ऐसे तरीके का स्टैचू बनाना डेफिनेटली एन आर्ट सो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी पीने वी आर गोइंग एट दिस प्लेस कॉल्ड कैफे गिली ये जो कैफे है कैफे गिली ये फ्लोरेंस का ओल्डेस्ट कैफे है सो लेट्स गो एंड सी सारी हम वही जगह जा रहे हैं आज जो गूगल पे आप लिखते हो ना टॉप थिंग्स टू डू इन फ्लोरेंस तो जो भी टॉप में आती हैं हम वही सब कर रहे हैं बट अच्छा है फ्लोरेंस इज वेरी कलरफुल वाइब्रेंट ब्यूटिफुल आ गए हैं कैफे गिली जैसे मैं आपको बता रही थी इट्स द ओल्डेस्ट कैफेज इन फ्लोरेंस और आपको अंदर आते ही ऐसे लगेगा कि आप ओल्ड फ्लोरेंस में ट्रांसपोर्ट हो गए हो वाइब एकदम ही विंटेज है विद द शैंडेलियर्स वुड पैनलिंग द सीलिंग्स सो हमने यहाँ पे दो तरीके की कॉफीज ऑर्डर की हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर इट यहाँ पर है चॉकलेटो कॉर्न पाना ये नवीन की कॉफी है इट्स कॉल्ड मैरोचिनो और ये एक पेस्ट्री है कॉल्ड कैनोली सबसे पहले हम पेस्ट्री खाते हैं वैसे आप जब भी इटली में कॉफी ऑर्डर करोगे आपको पहले पानी भी मिलता है टू क्लेंस योर पैलेट तो आपको पहले पानी पीना है फिर आपको कॉफी लेनी है सो लेट्स हैव दिस इज लाइक अ पेस्ट्री जिसका ये जो डो है ये फ्राइड है और अंदर होता है रिकॉटा चीज एकदम से ट्यूब फिलिंग में होता है फ्राइड पेस्ट्री डो उसके अंदर रिकॉटा एंड थोड़े फ्रूट्स लेट्स हैव दिस वन दिस इज चॉकलेट विथ व्हिप्ड क्रीम ओ वाओ कोको पाउडर चॉकलेट थोड़ा एस्प्रेसो का टेस्ट एंड व्हिप्ड क्रीम
ये है मारुचिनो, इसमें है एस्प्रेसो, कोको और मिल्क। मुझे लग रहा है इसका कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। वे टू गुड, एक पूरा चॉकलेटी टेस्ट कॉफ़ी के साथ, ऊपर से व्हिप्ड क्रीम नहीं है बट व्हिप्ड जो किया हुआ है ना, इट इज़ ए वेरी सूथिंग एसेंस। ओके, दैट वाज कैफे गिली। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लिटिल एक्सपेंसिव, काफ़ी अच्छी प्लेस थी, कॉफ़ी तो काफ़ी कमाल की थी। अब यहाँ पे हम मेन स्क्वायर पे बैठे हैं, बहुत लाइवली है, बहुत हैपनिंग है। यहाँ से अब हम थोड़ा वॉक करने वाले हैं, थोड़े हम ड्रोन शॉट्स लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी रिवर आर्नो, हम ड्यूमो देखने वाले हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू लाइक अ वॉकिंग टूर, खुद का ही सेल्फ गाइडेड वॉकिंग टूर ऑफ फ्लोरेंस बिफोर वी हेड टू पियाजल माइकल एंजेलो फॉर सनसेट। वहां से आपको सनसेट के बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। सो टिल सनसेट वी आर जस्ट गोना बी चिलिंग हियर। Stop of the day, this is the famous sunset point. पीछे देखिए, it's honestly so crowded. अगर आप यहाँ पे जल्दी आओगे तो आपको अच्छा व्यू मिल सकता है, नहीं तो इट्स लिटरली सो क्राउडेड, आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट वी हैव आर ड्रोन, तो मैं आगे जाके अच्छे से देखती हूँ। नवीन यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा है, फिर सनसेट के टाइम पे मे भी थोड़ी जगह खाली हो। बट यू एंजॉय दीज ड्रोन शॉट्स एंड लुक एट फ्लोरेंस फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू। वेलकम टू डे टू। आज हम जाने वाले हैं सियांटी विन्यार्ड्स, एक एक्चुअली रीजन है टस्कनी में जहाँ पे हम विन्यार्ड्स देखने वाले हैं। हमने एक्चुअली हमारा टूर बुक किया है विद गेट योर गाइड, सो वो हमारा 2:30 बजे शुरू होगा और आज हम एकदम आराम से 11:30 बजे उठे हैं। लाइक ये ट्रिप पे फर्स्ट टाइम होगा कि हम इतना लेट उठे हैं। और अभी हम जा रहे हैं हमारा ब्रंच करने, सो वी एक्चुअली थॉट ऑफ हैविंग सम चाइनीज फूड, क्योंकि जो हमारा मीटिंग पॉइंट है ये टूर के लिए, उसके एकदम बाजू में ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो हम उसी की तरफ अभी वॉक कर रहे हैं। वहाँ पे हम लंच करेंगे या ब्रंच करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टूर। That was our lunch, which was honestly so quick. उनकी सर्विस इतनी फास्ट थी guys, literally हमने राइस का ऑर्डर दिया, 2 मिनट के अंदर राइस हमारे सामने ऐसे पड़ा था। हमें लगा हमारा जब तक टूर स्टार्ट हो हम 1-1.5 घंटा रखें फॉर आर लंच, बट इट वॉज सो क्विक एंड इट वॉज सो इनएक्सपेंसिव। इन 30 euros, इन जस्ट 30 euros वी एट एवरीथिंग। स्प्रिंग रोल, डम्पलिंग्स, 2 तरीके के राइस और एक चिकन, बहुत अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। अभी हमारे पास 1 hour 25 minutes पड़े हैं बिफोर आर टूर स्टार्ट, तो हमने सोचा यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है आ गया यहाँ पे, सो हमने सोचा देखे वहाँ पे चाय मिलती है क्या, काफी टाइम से हमने चाय नहीं पी है। चाय मिलेगा? चाय मिलेगा। तो हमारा टूर स्टार्ट हो उसके पहले मैं फटाफट से आपको बता दूं, मैं यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ। गेट योर गाइड पे आप ऐसे एक्टिविटीज बुक कर सकते हो, इफ नॉट ऑन गेट योर गाइड तो आप हेड आउट पे भी देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज, टिकट्स, डे ट्रिप्स, बहुत कुछ होते हैं, काफी यूजफुल होते हैं। अगर आपको खुद से पूरा कुछ प्लान नहीं करना है एंड इफ यू वॉन्ट देम टू टेक ओवर, आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल दैट वे। नाउ दे आर सेटिंग अप, यहाँ पे हमें हमारी टिकट्स मिलने वाली हैं और हमारा टूर स्टार्ट हो। सो बेसिकली हम जा रहे हैं आज सियांटी, जो टस्कनी में आता है। यहाँ से आई थिंक 1.5 hour to 1 hour लगेगा हमें वहाँ पे जाने के लिए, और सियांटी वाइन बहुत पॉपुलर है।
तो हम वहाँ पे विनयार्ड का टूर लेने वाले हैं. सो आज हम उधर जाने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी. सो हमारे ये टूर में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है, दो विनयार्ड टूर्स, थोड़ा फ्री टाइम भी है, 7 वाइन्स की टेस्टिंग है, सैम्पलिंग है, देन चीज, ब्रेड, ऑलिव ऑयल, ये सब की भी टेस्टिंग है. सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी न्यू एंड फन एक्सपीरियंस. वैसे मैंने सुना है टस्कनी बहुत ब्यूटीफुल है, पूरा ऐसा कंट्री साइड वाइब है, लश ग्रीन, बहुत ब्यूटीफुल है. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. ओके गाइज, अभी हम बस में हैं और आई थिंक इसको ना सियांटी नहीं क्यांटी प्रोनाउंस करते हैं, सो अपोलॉजीज फॉर दैट. एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्यांटी, लेट्स गो. एक्चुअली स्वीट है, मतलब हाँ, मतलब अगर समझ कोई वाइन जिसको नहीं भी पसंद हो क्योंकि कड़वी है उसको ही अच्छी लगेगी. देखो टेस्ट करो. टू स्वीट बट आई लाइक इट क्योंकि मेरे को कड़वी वाइन नहीं पसंद है. एक बहुत फनी चीज क्या हो रही है, अभी मैंने जो रेड वाइन पी वो मुझे थोड़ी कड़वी लगी, तो जो भी मुझे कड़वा लग रहा है नवीन बोल रहे अरे तू नोट्स देख, तू फ्रेग्रेंस देख, तब तक मैं नवीन के ग्लास में डाल के बोल रही हूँ तू भी. जो थोड़ी फ्रूटी और स्वीट है वो मैं एंजॉय कर रही हूँ, बाकी जो भी है वो मैं नवीन को दे रही हूँ. जो आपने अभी देखा वो था हमारा पहला प्लेस जहाँ पे हम वाइन टेस्टिंग के लिए आए. तो ये टूर में बेसिकली हम दो विनयार्ड्स जाने वाले हैं, एक ट्रेडिशनल विनयार्ड जो एक फैमिली रन बिजनेस है विच वाज दिस वन, और सेकंड जो हम जाने वाले हैं वो है कंटेम्प्ररी. ये दोनों ही क्यांटी रीजन में आते हैं, सियना में, और ये जो एरिया है ये काफी पॉपुलर है अपने विनयार्ड्स के लिए, स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेप्स उगते हैं वो उनके वजह से यहाँ पे जो वाइन का टेस्ट आता है एंड द एजिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग यहाँ पे काफी पर्टिकुलर है. सो इट्स काइंड ऑफ अ नाइस टिपिकल वाइन. मैं ऑनेस्टली वाइन लवर नहीं हूँ, तो 3-4 वाइन्स थे यहाँ पे जो हमें टेस्ट करवाई, उसमें से मैंने सिर्फ दो ही पी जो काफी फ्रूटी थी, बट आई रियली लाइक द ब्रेड एंड ऑलिव ऑयल यहाँ पे जो दिया था, एंड दे ऑल्सो गेव लाइक अ बिस्किट विच वॉज आलमंड एंड पीनट ड्राई बिस्किट विच इज सपोज टू डिप इन वाइन. काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, हम लोग काफी यहाँ पे लोगों से भी मिले, उनसे भी बात कर रहे थे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. एंड इट्स सो क्वाइट हियर, एक्चुअली कंट्री साइड टाइप फीलिंग्स है. अभी हम हमारे सेकेंड जगह पे जाने वाले हैं जो दूसरा विनयार्ड है, और वहाँ के भी मैं आपको शॉर्ट्स दिखाती हूँ, बट नवीन इज मोर ऑफ अ वाइन पर्सन, तो वो बताएगा इज दिस एक्सपीरियंस रिकमेंडेड. सिर्फ एक विनयार्ड बिल्कुल, यू कैन टेस्ट डिफरेंट वाइन्स, और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या है, पहले एकदम लाइट वाइन दी, थोड़ी हार्ड एंड देन सुपर हार्ड. लास्ट वाली तो शॉर्ट था, प्रॉपर विस्की शॉर्ट लग रहा था, शॉर्ट टाइप लग रहा था, बट वाज नाइस, इट वाज नाइस. फ्लोरेंस आ रहे हो तो यहाँ पे अगर टस्कनी साइड सिटी टूर लेना है ये लेना ही है आपको, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन्स ट्राई करना. आवर बस इज गोना बी हियर एंड वी विल बी गोइंग टू आवर नेक्स्ट. Guys, this was the second vineyard. ये तो काफी ऐसा बड़ा contemporary और fancy है. नवी तेको कौन सी अच्छी लगी wine दोनों में से? First वाले की. Overall presentation और all everything first vineyard का अच्छा था. यहाँ पे ना हमने एक्चुअली एक ट्रफल ऑयल ट्राई किया विच वॉज अमेजिंग, तो क्रैकर्स के ऊपर उन्होंने ट्रफल ऑयल डाल के दिया. ओवरऑल अगर हम सेटिंग की बात करें तो यहाँ की काफी बेटर थी, ऐसा फील आ रहा था क्योंकि आप ग्रीन्स के बीच में बैठे हो. जो यहाँ का ट्रफल ऑयल था एक चिली वन था, वो बहुत अच्छा था, एक स्पाइसी था. एक इनके पास पेपर ट्रफल ऑयल था और एक रेगुलर ट्रफल ऑयल, और यहाँ पे ना सेटअप काफी सही था. ये देखो ऐसा सेटअप था, यहाँ पे इन्होंने सब रखा था.
like here. We were sitting here actually. So this was a really really fun day. If you're a wine lover, you must definitely do this. और अगर आप wine lover नहीं है तो you can skip this. मुझे मजा आया. First वाले में मुझे मजा आया और overall मुझे जो लोग details बता रहे थे about the wine making process and everything वो मुझे काफी interesting लगा. This is it from Chianti wine tour. अभी हम जाने वाले हैं वापस Florence and आज के दिन पे actually यही था. कल का दिन काफी interesting है क्योंकि कल हमारा pizza and gelato cooking class है. वैसे I don't know if I told you this but ये जो हमने पूरा tour लिया this was for 4000 rupees जहाँ पे आपको Florence से pick करते हैं. ये सब food ये सब included था. Veg non veg आप choose कर सकते हो and lots of wine. चलो back to Florence. वेलकम टू द लास्ट डे इन फ्लोरेंस. टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी चिल डे. आज हमने एट ईज रखा है सब कुछ. आज एक्चुअली हमारा शाम को कुकिंग क्लास है. हाय, फुल एक्साइटेड फॉर कुकिंग क्लास दिस डे. सो आज एक्चुअली शाम को हमारा कुकिंग क्लास है 6:30 बजे. पिज्जा एंड जिलाटो मेकिंग क्लास है. क्वाइट एक्साइटेड. मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जब आप इटली जाओ तो एक कुकिंग क्लास तो पक्का लो. मुझे एक्चुअली पास्ता का लेना था बट वो सोल्ड आउट था यहाँ पे फ्लोरेंस में. सो आई थॉट लेट्स डू अ पिज्जा एंड जिलाटो. अभी लेकिन फिलहाल हम लंच कर रहे हैं. अभी बज रहे हैं 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव लंच. वील प्रोबेबली हैव अ कॉफी लेटर एंड वील बी जस्ट रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ फ्लोरेंस. कम अलॉन्ग. We'll be having fried chicken now क्योंकि कल हमने पास्ता खाया था. आज पिज्जा खाएंगे. So we want to eat something different. So we spotted this tiny fried chicken spot. देखते हैं अभी क्या खाते हैं. That was our lunch. The burger was amazing. काफी filling था. हमने fried chicken burger खाया. काफी अच्छा था. 10 euros में एकदम ऐसा jumbo burger था. We are now stuffed. अभी हम थोड़ा market घूमने वाले हैं. जहाँ पे हमने burger खाया उसके बाजू में ही एक जगह है Vivoli il Gelato. This place is very famous in Florence for its gelato. But यहाँ पे आपको एक और चीज मिलती है. It's called affogato, which basically is gelato with one shot of espresso. और ये मैंने इतना सुना था. सो आई वेंट टू ट्राई देयर. काफी भीड़ थी एंड आई क्विकली गॉट अ स्पॉट एट द बार एंड इट वॉज अमेजिंग. आई कैन नॉट टेल यू द कॉम्बिनेशन ऑफ बिटर एंड हॉट कॉफी कोल्ड एंड स्वीट जिलाटो. यू मिक्स इट टूगेदर एंड यू हैव इट. इट वॉज अमेजिंग. हाईली रिकमेंड यू गाइस सेव दिस प्लेस. द नेक्स्ट टाइम यू कमिंग टू फ्लोरेंस यू नीड टू ट्राई अफोगाटो हियर. ओके, आई एम गोना सी यू इन द इवनिंग नाउ. अभी मैं व्लॉग कम करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं फोन अंदर रख के घूमने वाली हूँ. सो सी यू इन द इवनिंग फॉर माई कुकिंग क्लास. बाय. Hi guys, good evening. अभी बज रहे हैं 6 PM और अब हम आ गए हैं यहाँ पर. यहाँ पर होने वाला है हमारा कुकिंग क्लास और हम यहाँ पे 20 मिनट्स पहले ही पहुंच गए हैं. ये भी हमने गेट योर गाइड पे ही बुक किया एंड गेट योर गाइड पे ऐसे आपको बहुत सारे कुकिंग क्लासेस मिल सकते हैं इन रोम, सोरेंटो. सोरेंटो में आप ले सकते हो. सोरेंटो में काफी अच्छा होता है पर हमारे दिन वहाँ पे पैक थे सो हमने यहाँ पे लिया है. सो लेट मी टेक यू थ्रू विथ मी. एक्चुअली हमारा फर्स्ट टाइम है कोई कुकिंग क्लास जाते हुए. सो क्वाइट एक्साइटेड. पहले कभी हमने ऐसे पिज्जा बनाया नहीं है फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक डो भी फ्रॉम द स्क्रैच एंड एवरीथिंग. सो यू एंजॉय दिस एंड कुकिंग क्लास के बाद मैं बताती हूँ वॉज इट वर्थ इट, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, वॉट वॉज द कॉस्ट एंड एवरीथिंग. और जो भी मुझे लिंक्स मिलेंगी ना ये सब क्लासेस की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो लेट्स गो. ओके, सो फर्स्ट वी वर लेट एंड द मोमेंट वी एंटर्ड सब लोग बैठ चुके थे. सो हमारे सामने सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े थे एंड शेफ वॉज टेलिंग अस स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फर्स्ट नीड द डो. तो ये था पिज्जा एंड जिलाटो मेकिंग क्लास, राइट. तो सबसे पहले हम पिज्जा बना रहे थे. सो सबसे पहले हमें एक वेल बनानी थी और उसमें हमें पानी और ऑलिव ऑयल डालना था. और मेरा ना वो ही स्टेप में थोड़ा सा गोफ अप हो गया एंड माई डो टर्न आउट टू बी अ लिटिल ड्राई. और वो भी मुझे शेफ ने एक्चुअली हेल्प किया तब जाके मेरा डो प्रॉपरली बना. दिस इज ओनली बिकॉज माई वॉटर एक्चुअली केम आउट ऑफ द वेल. सो डो बनने के बाद हमें उससे रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम छोड़ना था. तब तक शेफ हमें जिलाटो कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा था. देन वॉज द इजी पार्ट. उसे स्ट्रेच करना था और सारे टॉपिंग्स डालने थे. सो आई एडेड सम बेजिल, मोजरेला, ऑलिव्स,
चिली ऑयल, काफ़ी सारे टॉपिंग्स थे तो मैंने काफ़ी सिंपल रखा एंड दिस इज़ हाउ द पिज़्ज़ा लुक लाइक। आई वॉज एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इवन दो द डो वॉज अ लिटिल ड्राई, द पिज़्ज़ा टर्न्ड आउट टू बी सो गुड, सो डिलिशियस। ये पूरा पिज़्ज़ा मैंने ख़त्म किया एंड इवन द जिलाटो वॉज यमी। वी एक्चुअली हैड सच अ ग्रेट टाइम, आई विल हाईली रिकमेंड दिस। All right, you guys, we will be opening a pizzeria soon because now we have a certificate in Italian cuisine. Just kidding. This is just a happy memory. Bahut maza aaya. Guys, if you're coming to Italy, you have to do this. Kaina Naveen? You should definitely do this. You will feel you are going to open a new pizzeria, yeah. But you can't. Actually, bahut maza aaya. I mean, everything we did in Florence, this was the top highlight. ये जो experiences होते हैं इसमें सबसे best चीज ये होती है कि आपके साथ वहाँ पे लोग कैसे, और यहाँ पे लोग इतने कमाल के थे। पूरा time we were just chit chatting. There was a family from the US, एक Indian family थी जो Hongkong में रहती है, so it was quite fun overall. So I would highly recommend. अभी तो मेरे बहुत नींद आ रही है, पौने 10 बज रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। आई होप दिस ब्लॉग वॉज हेल्पफुल। दो और चीजें जो हमने नहीं की, पर अगर आप फ्लोरेंस आ रहे हो और आपके पास टाइम है या आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, वन इज द आउटलेट मॉल, इट्स कॉल्ड द मॉल फ्रियंस। वहाँ पे आप लग्जरी शॉपिंग कर सकते हो, काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। एंड सेकेंड इज चिंक टेरे, इट्स कॉल्ड चिंक और शिंक चिंग टेरे, यहाँ पे मैं लिख दूंगी। वहाँ पे 5 विलेजेस हैं, आप वहाँ पे हाइकिंग कर सकते हो, इट्स रियली ब्यूटीफुल। हमें वो नहीं करना था बिकॉज बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता नहीं तो। ओके दैट्स इट। इफ यू एंजॉय दिस व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। ओके बाय बाय, आई सी यू।